एवरीवन, मान लीजिए 1 ईयर पहले आपने किसी से 100 रुपीज की एक बुक खरीदी और 1 साल बाद उस बुक का प्राइस हो जाता है 200 रुपीज और वो सेलर आपसे इंक्रीज 100 रुपीज मांगने आ जाता है, क्या आप लाइबल होंगे वो पेमेंट करने के लिए? ऑब्वियसली नो। इसी से रिलेटेड एक केस है, वोडाफोन केस या फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस के नाम से आपने सुना होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम साक्षी भंडारी। हम केस के बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। 2007 में ये केस स्टार्ट हो गया था जब वोडाफोन जो कंपनी है उसने इंडिया की हच कंपनी के 67% शेयर्स खरीद लिए थे और ये वोडाफोन की नीदरलैंड वाली यूनिट ने शेयर्स खरीदे थे। अब उन्होंने जब शेयर्स खरीदे तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया था, तो 2007 मई में उन्होंने टैक्स शेयर्स खरीदे एंड 2007 सितंबर से यूपीए गवर्नमेंट ने टैक्स पेमेंट का डिमांड स्टार्ट किया, क्योंकि वोडाफोन ने आर्ग्यूमेंट दिया कि बायलैटरल ट्रीटी हो रखा है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में, इसी वजह से वो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। और इस बात से इंडियन गवर्नमेंट सहमत नहीं थी और उन्होंने उसके बावजूद उनके आर्ग्यूमेंट रखने के बाद भी बहुत डिमांड और नोटिसेस वोडाफोन को सेंड किए। वोडाफोन ने इन डिमांड और नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में और वोडाफोन को लायबल किया गया पेमेंट देने के लिए। वोडाफोन ऑब्वियसली इस डिसीजन से खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये डिसीजन दिया वोडाफोन के फेवर में और बोला कि वोडाफोन ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एनालाइज किया है, जिस तरीके से पढ़ा है, वो जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट सही है और वोडाफोन लायबल नहीं होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, 2012 में आया ये डिसीजन। अब 2012 में फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे लेट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया फाइनेंस एक्ट के अंदर। वो अमेंडमेंट क्या किया उन्होंने, उस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को ये पावर दे दी कि रेट्रोस्पेक्टिव केसेस में जाकर के आप जो टैक्स क्लेम करने का पावर उन्हें दे दिया गया। अब इसमें रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पिछले साल या फिर मतलब पास्ट ईयर्स में कोई लॉ था, उस लॉ को आज आप चेंज करते हैं और कहते हैं कि अब हम इस लॉ के हिसाब से, आज जो लॉ बनाया है इसके हिसाब से हम पिछली चीजों का फाइन या फिर जो भी अमाउंट पेनल्टीज वो कलेक्ट करेंगे। ये इस अमेंडमेंट के बाद में इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। अब इससे हम इस क्रिटिसिज्म से कुछ बातें देखते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर उसके पीस के लिए, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, फ्री एंड ओपन ट्रेड के लिए माना जाता है। ये वोडाफोन केस के बाद में इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर एक नेगेटिव इमेज बन गया था और स्पेशली ये अमेंडमेंट के बाद में इंडिया की इमेज बहुत नेगेटिव हो गई थी एंड इंडिया को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था इंटरनेशनल लेवल पर। इस वजह से जब 2014 में गवर्नमेंट का चेंज हुआ, एनडीए गवर्नमेंट फिर फॉर्म में आई थी, एनडीए गवर्नमेंट ने ट्राई किया म्यूचुअली एमिकेबली बहुत कि वोडाफोन के थ्रू वो डिस्प्यूट सेटल कर ले ताकि इंडिया की इमेज ज़्यादा खराब ना हो, लेकिन उस केस में तब भी कुछ नहीं हुआ। उन दोनों का सेटलमेंट, वोडाफोन और इंडिया के बीच में सेटलमेंट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था होना 2014 में भी वो नहीं हो पाया और ये केस एज इट इज कंटिन्यू चला और एनडीए गवर्नमेंट ने भी अपनी डिमांड टैक्स की कंटिन्यू रखी। पहले वोडाफोन गया था हाईकोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसने हाईकोर्ट का डिसीजन चैलेंज किया था। अब वोडाफोन गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं कंट्रीज के बीच में, उसे रिजॉल्व करने का ये मैकेनिज्म है। यहाँ पर आप केस लेकर जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का। तो वोडाफोन क्लॉज 9 जो था, हमने शुरू में देखा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो था 1995 में हुआ था इंडिया और नीदरलैंड के बीच। ट्रीटी क्या होता है, ट्रीटी होता है दो एंटिटीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एक वो लोग बंध जाते हैं, जैसे आप इसी केस में समझ लेते हैं इंडिया और नीदरलैंड ने जब ट्रीटी किया
तो उसमें बात हुई कि अगर इंडिया से या फिर हमारी कंट्री से या आपकी कंट्री से कोई इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में जा रहा है तो हम उसे एग्जेम्पशंस देंगे या फिर कुछ रिलीफ्स प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें क्लॉज 9 में उन्होंने प्रोवाइड कराया था कि कोई गलत टैक्स नहीं लिया जाएगा, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस सबकी बातें की गई थी, और अगर कोई एक कोर्ट की तरफ से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो आगे अपील कर सकता है। तो क्लॉज 9 को इन्वोक करके वोडाफोन गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिसीजन दिया वोडाफोन के फेवर में और प्लस 4.3 मिलियन का कंपनसेशन इंडियन गवर्नमेंट को वोडाफोन को प्रोवाइड कराने के लिए कहा गया। अब इसके बाद में 2020 अभी रिसेंटली ये जजमेंट आया है, इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आगे चल करके इसमें अपील भी कर सकती है, वो फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट में इंडियन गवर्नमेंट लायबल है वोडाफोन को पेमेंट करने के लिए। अब जैसे कि आपने देखा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी इंडिया के अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, इससे इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे हैम्पर होती है। और रिसेंटली अगर हम इंडिया का स्टेटस देखें तो वो काफी ज्यादा प्रमोट करता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करे, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट की जा रही है। लेकिन कोई कंपनी आकर इन्वेस्ट तभी करेगी जब वो सेफ फील करती है, जब वो सिक्योर फील करती है कि अगर हमारी कंट्री का किसी इंडिया या किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी हो रखा है तो हमें उतना ही टैक्स पे करना है। उनके दिमाग में इमेज बन जाती है अगर जिसमें अगर वो प्रेफरेबल होगा उनके लिए जो कंट्री, वो ऑब्वियसली वही इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जैसा इंडिया ने इस केस में किया, अगर कोई कंट्री ऐसा करती है कि वो बाद में चेंज कर देती है जब आप इन्वेस्ट कर चुके हो, तो किसी भी कंपनी को लॉस होगा और कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी। ये सब की वजह से इंडिया में FDI मेक इन इंडिया प्रोग्राम बहुत हैम्पर हो सकते हैं क्योंकि हमारी नेगेटिव इमेज बन रही है। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स, एंड आप कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं कोई टॉपिक पे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू।